Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 10. Answer the following questions. Give the name of the physical quantity that correspond to the rate of change of displacement. Rate of change of displacement क्या होती है, क्या quantity होती है आपको बताना है. तो this quantity is known as velocity. Velocity is nothing but rate of change of displacement, that is displacement upon time. और unit क्या होगी, meter per second. तो meter per second इसकी SI unit होती है. Now, second question की अगर हम बात करें तो second में है a man moves on a circular path of radius r. r radius के एक circular path में एक man क्या हो रहा है, move हो रहा है. Comes to his original position और move करने के बाद जहां से वो चला था original position वहीं पर आके stop हो गया. Find the distance traveled and the displacement of the man. तो इस केस में distance as well as displacement of the man आपको बताना है. तो उसके लिए see. तो यहां पर केस इस तरह का है, तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस और जिसका रेडियस r है. से यहां पर ये पोजीशन a से उसने स्टार्ट किया चलना और देन मूव करने के बाद दोबारा ही a पर आ गया. तो सबसे पहले अगर यहां डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या है, वो नथिंग बट क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल. तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल जो कि 2πr होता है फॉर्मूला. और डिस्प्लेसमेंट की बात क्या अगर हम करें तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो जाएगा, कितना डिस्प्लेस हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 मीटर आ जाएगा. ये मीटर में हम लिखते थे, सो 0 मीटर होगा. क्यों, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो सेम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 0 का होगा. तो डिस्प्लेसमेंट 0. अब थर्ड वाला जो सी हम पार्ट देखें तो सी के अंदर है अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. एक बॉडी मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म, और मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड. तो उसकी 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी. अब सिंस मोशन कैसा है, मोशन यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा. अब जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा ही नहीं, चाहे 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, एनी टाइम. तो सिंस मोशन इज यूनिफॉर्म, That is, acceleration is zero, a is zero. So, therefore, velocity after 10 second, velocity after 10 second क्या होगी? वो भी 10 meter per second ही होगी, क्योंकि no acceleration, there is no acceleration.